हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम गोरखपुर मेट्रो के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, गोरखपुर मेट्रो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में बनाई जाएगी। ये एक लाइट रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होगी, मतलब कि यह आम रोड के साथ साथ बनाई जाएगी। इसमें दो एलिवेटेड लाइन्स होंगी जिसमें कुल 27 स्टेशन होंगे। इसकी लेंथ लगभग 27 किलोमीटर की रखी गई है। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2024 रखी गई है। गोरखपुर मेट्रो का खर्चा 4672 करोड़ रुपए का है। गोरखपुर मेट्रो UPMRC के अंडर बनाई जानी है, यानी कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा। इसमें 3 कोचेज वाली ट्रेन दौड़ाई जाएगी। लाइट रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की लेंथ दिल्ली मेट्रो से थोड़ी कम होती है। इसमें कुल 300 लोग सफ़र करते हैं एक वक्त पर। इसमें पहला फेज 16 किलोमीटर का होगा, जो श्याम नगर से शोभा बाजार तक होगा। वहीं दूसरा फेज 10 किलोमीटर का होगा, जो गुलहारिया से लेकर कचहरी तक होगा। पहले फेज के स्टेशन श्याम नगर, शास्त्री नगर, नाथमालपुर, गोरखपुर मंदिर, हजीरापुर, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन, यूनिवर्सिटी, एम्स, वहीं शोभा बाजार तक होगा। धर्मशाला पर इंटरचेंज बनाया जाएगा। गोरखपुर मेट्रो बनने के बाद गोरखपुर के कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा और यह उत्तर प्रदेश का 8वां मेट्रो सिटी बन जाएगी, वाराणसी, मेरठ, बरेली, झांसी, प्रयागराज, आगरा, लखनऊ के बाद। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।